नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों को देते हैं विस्तार। यूपी के सोनभद्र कांड को लेकर सियासत गर्म हो गई है, जहां प्रियंका गांधी घायलों और पीड़ित परिवार से मिलने गई थी, लेकिन उनका काफिला रोक दिया गया, जिस कारण प्रियंका गांधी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। वहीं प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको लेकर देश भर में कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड में भी इसका असर दिख रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है और पुतला फूंका है। साथ ही प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी का विरोध भी किया है और प्रियंका को रिहा करो के नारे लगाए हैं। सोनभद्र जाते हुए दलितों पर हुए गोलीकांड के जवाब में हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जा रही थी, जिन्हें लोकतंत्र में गिरफ्तार कर लिया गया, उनको वहां जाने नहीं दिया गया है। इसके विरोध में हम जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रियंका गांधी जी को रिहा किया जाए और उन्हें घटनास्थल पर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। वो जाए, गरीबों को जो है राहत पहुंचाने का कार्य करे कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत देहरादून में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बता दें आपको, प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोका गया और उन्हें मिर्ज़ापुर के गेस्ट हाउस में ठहराया गया, चुनार गेस्ट हाउस में ठहराया गया है, जिसके बाद इसका विरोध प्रदर्शन देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया। वहीं देवभूमि में भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस ने यूपी सरकार का पुतला फूंका और मुर्दाबाद नारे लगाए और प्रियंका को रिहा करो के नारे लगाए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और पुतला भी फूंका है। प्रियंका का पोस्टर लेकर प्रियंका को रिहा करो के नारे लगाए हैं और पुतला फूंका है, उग्र प्रदर्शन किया है। देश भर में ही कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए लाइव के साथ।